मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। हमें पता है मौलिक अधिकार कितने होते हैं। एक क्वेश्चन आता है संविधान में किन-किन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हैं 6, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इसके बारे में जानते हैं, समता का अधिकार के बारे में। समता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समता के अधिकार से अभिप्राय देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देने से है। समता के अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का, जैसे जाति, वंश, लिंग आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार के अनुसार अमीर गरीब, नीच ऊंच आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 1920 तक में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बोलने, घूमने, शिक्षा प्राप्त करने आदि का अधिकार होता है। साथ ही उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, परंतु यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है होता है। इसे ही स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया है। इस अधिकार के अनुसार 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी अपराध है। यदि कोई उनसे जबरदस्ती काम करवाता है तो उन्हें जेल हो सकती है, यानी कि 14 साल से तक के से कम उम्र के बच्चों को रेस्टोरेंट में आपने काम करते हुए देखा होगा, या किसी शॉप में काम करते हुए देखा होगा, या परचून की दुकान में काम करते हुए देखा होगा, तो वो गैर कानूनी माना जाता है। नेक्स्ट है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है, और किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई सा भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कोई से भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, हिंदू, ईसाई बन सकता है आदि। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। इस अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को कोई सी भी संस्कृति तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कि हम हमारे द्वारा जीन्स पहनना, जो कि अमेरिका का कल्चर है, उनकी संस्कृति है, या ऐसी जैसे आजकल नए नए हेयर स्टाइल बन रहे, तो वो भी फॉरेन कंट्री के ही संस्कृति है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे हम रिट के नाम से भी जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कि जो हमें 5 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अब उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। अब अगर आपसे कोई आप धर्म चेंज करना चाहते हो, आपको कोई रोकता है, तो हम कहाँ अप्लाई करें? या आपको कोई आप हिंदू हिंदू हो और मस्जिद में जाना चाहते हो और आपको रोकता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके लिए बनाया गया है। हमें सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार और मौलिक अधिकार भी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति तथा राज्य किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से वंचित कर रखता है, यानी कि उसको मौलिक अधिकार नहीं देता है, तब वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए केस कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ा हुआ, जो है संवैधानिक उपचारों के प्रकारों का वर्णन करें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम रिट के नाम से भी जानते हैं। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ है शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करो। इसके द्वारा न्यायालय को अधिकार प्राप्त होता है कि वह बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दे सकता है, यानी कि उसको बुला सकता है जिसने अपराध करा है। यदि बंदी बनाया गया व्यक्ति, यानी कि कैदी जो बनाया गया व्यक्ति है, यह अनुभव करता है
कि उसे गैर कानूनी अथवा अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह स्वयं अथवा उसका कोई साथी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दे सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको बिना बात पे ही कैद कर लिया है, पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो वह उच्च न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय में भी आवेदन कर सकता है। और उसका कोई भी साथी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में उसके आवेदन पत्र दे सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए। यदि न्यायाधीश यानी कि जज यह समझे कि व्यक्ति को वास्तव में अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह उसे मुक्त करने का आदेश दे सकता है। यानी कि अगर जज को लगता है कि जो व्यक्ति को पकड़ा गया है वो बिना बात में पकड़ा गया है, गैर कानूनी पकड़ा गया है, तो उसको वो मुक्त यानी कि फ्री छोड़ सकता है, यानी कि छोड़ सकता है वो उसको कि इसको छोड़ दिया जाए। इस अवस्था से यानी इस व्यवस्था से कार्य प्रणाली निरंकुश नहीं हो पाती, यानी कि इस पे कोई अंकुश नहीं लग पाता। सेकंड है परमादेश लेख। लैटिन भाषा के इस शब्द का अर्थ है कि हम आज्ञा देते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य को पूरा ना करे, तो न्यायालय उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए परमादेश द्वारा आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विश्वविद्यालय अपने किसी सफल विद्यार्थी को डिग्री ना दे, ऐसी अवस्था में उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय परमादेश के द्वारा इन संस्थाओं को कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश दे सकता है कि जिस विद्यार्थी को तुमने डिग्री नहीं दी है उसको दी जाए। यानी कि किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को वह आदेश दे सकता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। थर्ड है, तीसरा है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा हो, इस स्थिति में उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने से प्रतिषेध अथवा मना कर सकता है। प्रतिषेध का मतलब मना करना है, यानी कि कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो, यानी कि अपनी मनमानी कर रहा हो, तब सर्वोच्च या उच्च न्यायालय उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। फिर है अधिकार पृच्छा। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से, यदि किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध किसी पद या कानून को प्राप्त कर रखा हो, तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। जैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा के सदस्य की आयु की सीमा 65 वर्ष है, यदि कोई व्यक्ति इस आयु के बाद भी सदस्य बना हुआ है, तो उस उच्च न्यायालय उसे यह पूछता है कि किस कानून के अंतर्गत उसने ऐसा किया है। यानी कि वह ऐसा पूछ सकता है कि किसके कानून के जरिए तुम ऐसा कर रहे हो। फिर चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है उत्प्रेक्षण लेख। इसका अर्थ है किसी की पूर्णतः सूचित कीजिए, यानी कि पूरी तरीके से सूचित करो। इसके द्वारा यदि कोई उच्च न्यायालय यह समझ ले कि उसके अधीन किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, तो वह उस अधीनस्थ न्यायालय को उस मुकदमे से संबंधित सभी कागजात अपने पास भेज देने का आदेश दे सकता है, जिससे यह मुकदमा ऊंचे न्यायालय में चल सके और न्यायालय की प्रतिष्ठा स्थापित रहे। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि रिट 5 प्रकार के होते हैं, जिसके जरिए हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन व के बारे में बताओ। यानी कि किस तरीके से आपातकाल में मौलिक अधिकार हट जाते हैं। हमें तो पता है हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो मौलिक अधिकार क्यों और कब हट जाते हैं। पहले स्वतंत्रता का स्थगन हो जाना। अनुच्छेद 352 के अनुसार जब आपातकाल की घोषणा होती है, तो किसी भी व्यक्ति की बोलने, भाषण देने, सभा करने, घूमने तथा आवाज करने की स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति या नेता अगर इसके विरुद्ध कार्य करता है, तो उनको जेल हो सकती है। यानी कि मौलिक अधिकार छिन जाते हैं आपातकाल में, जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार छिन जाता है। सेकंड है मौलिक अधिकारों का छिन जाना। अनुच्छेद 359 के अनुसार जब आपातकाल की घोषणा होती है, तब प्रत्येक देश के नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। चाहे कोई सा भी नेता, कोई अमीर व्यक्ति आदि क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अगर इस कानून का विरोध करता है, तो उसे जेल हो सकती है। यानी कि जब मौलिक अधिकार छीन गए, तो आप ये नहीं कर सकते कि
ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, कहीं आ सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, कोई सा भी मौलिक अधिकार फिर काम नहीं आता। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। आपातकाल के दौरान केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि अब हमें सांस लेना मना हो जाए या खाना खाना मना हो जाए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो होती है जो हमारे जीवन को जीने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ऐसी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। नहीं, अब हम पढ़ेंगे कि मौलिक कर्तव्य कौन से होते हैं। मौलिक कर्तव्य की यहाँ सूची है, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, संविधान का पालन करें तथा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड है, ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन मिला था। थर्ड है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ है, जब भी आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा करें। फिफ्थ है, सभी वर्गों के लोगों में भ्रातृत्व और समरसता सत्ता की भावना बनाएं और स्त्रियों की प्रतिष्ठा का आदर करें। सिक्स्थ पॉइंट है, गौरवशाली परंपरा और सामाजिक संस्कृति को बनाए रखें। सेवन्थ पॉइंट है, प्राकृतिक वातावरण जिसमें वन, नदियाँ, झील और जगत के जीव जंतु शामिल की जिंदगी में सुधार लाएं तथा उनकी रक्षा करें। एट्थ पॉइंट है, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। नाइन्थ है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का प्रयोग ना करना। टेंथ पॉइंट है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य के लिए संघर्ष करना।